हिमांशु कुमार फिर से नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एसेट सोर्स। आज हम बात करने वाले हैं, मेरे एनआरआई दोस्तों को भी ध्यान रखते हुए हमारे जो लोकल लोग हैं उनके लिए, यानी कि आज हम टीडीएस में दोनों लोगों को कवर करने वाले हैं, हमारे जो रेसिडेंट है और जो नॉन रेसिडेंट है उन दोनों को कवर करेंगे। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि टीडीएस क्या होता है, इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या है, लिमिट क्या है, सेक्शंस क्या है, 26 ईयर्स क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम अपने एनआरआई दोस्तों के लिए ये भी बताएंगे कि आप पे टैक्स कितना कटने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है अगर आप टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस से, जो कि बहुत ही बेसिक है, हर कोई जानता है, फिर भी मैं उसे बताऊंगा। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स क्या होता है? जब एक इनकम टैक्स की थ्रेश जो लिमिट है, अगर उससे ऊपर आप जब किसी को कोई पे करते हैं, अलग अलग चीजें जो तो बात कर रहे हैं, आपको टीडीएस काटना पड़ता है। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, आप मुझे 1,00,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो जो भी प्रोफेशनल का 10% का रेट है, आप 10% काट के 90,000 पेमेंट करेंगे और 10,000 गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। ये चीज और इंपॉर्टेंट है, ये सब पे अप्लीकेबल नहीं होता है, ये उस पे अप्लीकेबल नहीं है जो नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा और जिनके बुक्स ऑडिटेड नहीं। यानी कि अगर आप सैलरी क्लास है और आप किसी प्रोफेशनल को पे करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं हुआ। लेकिन आप पे टीडीएस तब अप्लीकेबल जब आप सैलरी क्लास है और आप कहीं काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपका टीडीएस काटेगा। इसलिए ये वीडियो आपको भी बहुत जरूरी है देखना कि कैसे आप पे अप्लीकेबल होता है। यानी कि टीडीएस का मतलब है कि जो आप अमाउंट कमाते हैं उसमें से सर्टेन परसेंटेज काट लिया जाता है अगर वो एक लिमिट के ऊपर है, वो भी हम बात करेंगे क्या है। अब ये कैसे कटता है, यानी जब आप किसी बिजनेस में हैं या कहीं काम करते हैं या आप कोई अपना बिजनेस रन करते हैं या स्टार्टअप है, तो आप दो तरह से होता है। एक तो मैं इम्प्लाई हूं, अगर मैं कहीं काम करता हूं और जो मेरी एक लिमिट है उस लिमिट के ऊपर मेरी सैलरी है तो मेरा टीडीएस कटेगा। टीडीएस का उसमें परसेंटेज नहीं होता है, उसमें स्लैब के हिसाब से होता है। दूसरा, अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूं किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी प्रोफेशनल, किसी आर्किटेक्ट या किसी को सैलरी पे कर रहा हूं, तो मुझे भी टीडीएस काटना। तो जो बंदा टीडीएस काटता है उसको उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस काट के हर मंथ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। साथ के साथ हर क्वार्टर पे उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उस रिटर्न में जिसके बारे में टीडीएस काटा गया है उसका पैन, नेचर और सारी चीजें डिटेल फाइल करनी, जिसको हम टीडीएस रिटर्न बोलते हैं, वो फाइल करनी मैंडेटरी है। यानी कि टीडीएस में दो चीजें कंपोनेंट हो गए, एक तो काटना है, काटने का मतलब हर महीने आपको पेमेंट करना है एक डेट के पहले, और दूसरा आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। अभी किस पे अप्लीकेबल होता है, तो ये जनरली जिसके बुक्स ऑडिटेड है उन्हीं पे अप्लीकेबल है। आप अगर सैलरी क्लास हैं तो आप पे टीडीएस कटेगा। आपको अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप सैलरी क्लास है और कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, आपको टीडीएस नहीं काटना, आपको टोटल पेमेंट कर देना है। लेकिन जब एक बिजनेस एंटिटी जो कि बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एक थ्रेश लिमिट के ऊपर जब पेमेंट करती है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। अब होता क्या है कि इसमें अलग अलग सेक्शंस है, मैं उन सेक्शंस को एक बार ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सैलरी वाले मित्रों के लिए 192, इनका सेक्शन होता है 192 में क्या होता है कि इसका जो कैलकुलेशन का इसमें कोई रेट नहीं है। पहली चीज इसमें कैलकुलेट ये होता है कि जो टैक्स लिमिट का जो बेनिफिट है उसके ऊपर जो भी टीडीएस बनता है, लेट्स अज्यूम कि आपकी सैलरी 10,00,000 थी, तो उसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन था उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद पूरा कैलकुलेट करके देखा जाता है कि कितनी टैक्स बना और उसको डिवाइडेड बाई 12 कर देता है। यानी कि उसमें आपके अलग अलग स्लैब्स आ जाते हैं। तो आप पे ये कहना है कि सैलरी पे कोई स्लैब वो कोई अप्लीकेबल नहीं है, सारे स्लैब आते हैं, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। दूसरा बात करते हैं 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पे भी अगर बात करें तो इस पे 10% का स्लैब है और 10,000 रुपए तक का बेनिफिट, यानी 10,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर है तो 10% का टीडीएस कटेगा, बैंक में हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 193 में ये भी आता है, इसमें जो लिमिट है वो 5,000 का बेनिफिट है और 10% का टीडीएस कटता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड अदर देन लिस्टेड स्टॉक है उस केस में 10% है, आपका टीडीएस कट जाएगा। साथ के साथ 194 ए की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी बाय द बैंक, यानी कि
इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी बाय द बैंक उस पे आपका 10% का है टीडीएस और 40,000 का बेनिफिट है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का बेनिफिट है। उसी तरह अगर आप इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी बाय अदर्स है तो 5,000 का बेनिफिट और 10% का टीडीएस है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, अगर जब पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन करते हैं तो उसमें 15,000 का बेनिफिट है, यानी कोई उस पर टीडीएस नहीं है, अदरवाइज 5% का उस पर आपको डिडक्शन हो जाएगा, 10% भी है 5% भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेजर जो रेंट की बात करते हैं, रेंट का जो सेक्शन है 194I है, रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, अगर इस तरह की तीनों चीजें हैं और आप लेट आउट करते हैं तो 2,40,000 तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद 10% का टीडीएस कटेगा। साथ के साथ 194I में एक और आता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में भी 10% 2,40,000 का बेनिफिट है और 2% का टीडीएस है, उसमें 10% का था यहाँ पे 2% का था। अब रेंट अगर आप 50,000 पर मंथ तक है तो कोई बात नहीं है, अगर उसके ऊपर है तो 5% का टीडीएस वहां भी कट रहा है। साथ के साथ अगर हम बात करें बॉन्ड की तो 5% का बॉन्ड पे है कि अगर आपको कोई भी बॉन्ड से इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रा बॉन्ड से आता है तो 5% का। तो इस तरह के अलग अलग, एक और मैं क्लियर कर दूं कॉन्ट्रैक्टर के भी 194C, क्योंकि ऐसे सेक्शन में बात कर रहा हूं जो सेक्शन आप पे एप्लीकेबल है, सेक्शन तो बहुत सारे हैं उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 194C, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं 1,00,000 के ऊपर तब आपका 1% का, अदरवाइज कुछ केसेस में 2% का, 1% का, 1,00,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा प्रोफेशनल, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा था, अगर आप प्रोफेशनल को 30,000 तक पे करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 30,000 के ऊपर पे करते हैं तो 10% का टीडीएस है। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मैंने ये सेक्शन वो सेक्शन बताने की कोशिश की जो कि नॉर्मल डेली यूज में आपके लिए काम आता है, अदरवाइज सारी चीजों का बात करने की कोई मतलब नहीं। अब मैं बात करता हूं कि हमारे जो एनआरआई है, एनआरआई के केस में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है, वो जो ऊपर मैंने बात की वो चीजें अप्लीकेबल नहीं रहती है, उनके लिए अलग से प्रोविजन आ जाते हैं। पहले तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट, उन पर फ्लैट 30% है, कोई मामला नहीं है, यानी कि आपको 10% का बेनिफिट नहीं, आपको 30% का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं इस तरह का, उस केस में 20% का, फ्लैट 20% का। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी एक साल के पहले आप बेचते हैं, उस केस में 15% है, और उसके अलावा कोई अदर है उस पर 20% का टैक्स डिडक्शन है, इसके अलावा और कोई भी इनकम है आपकी, फ्लैट 30% प्लस जो सरचार्जेज है और उसके हिसाब से चीजें हो जाती हैं। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो डेट आपके लिए कोई रिलेवेंट नहीं है, मैं फिर भी एक बार डेट की क्या बात करें कि जो आपका टीडीएस डिपॉजिट का डेट होता है हर महीने जो नेक्स्ट मंथ होता है 7 तक का होता है, उसके हिसाब से डिपॉजिट करना होता है, और जो मार्च का डेट होता है वो 30, जो मार्च का जो पेमेंट का डेट होता है 30th अप्रैल होता है। तो ये टाइम शेड्यूल। अब बात करते हैं 26 ईयर्स, 26 ईयर्स क्या होता है, ये आपके मेरे हर यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं दो चीजें की बात करने वाला, एक तो 26 ईयर्स और एक बात करने वाला फॉर्म 16A। फॉर्म 16A अगर जो भी व्यक्ति कहीं काम करता है उनको पता है कि फॉर्म 16A क्या होता है और फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, उन्हें वो चीजें उनके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मिलती है, यानी कि फॉर्म 16 और 16A वहां पर हो जाता है। लेकिन जो 26 ईयर्स है वो आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है, तो मैं 26 ईयर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 26 ईयर्स होता क्या है, अगर मैंने स्टार्टिंग में देखे तो मैंने टीडीएस की बात की थी, तो अगर कोई व्यक्ति आपका टीडीएस काटता है और जब वो रिटर्न फाइल करता है, यानी कि टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली जब फाइल करता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो भारत सरकार यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होता है आपका पैन नंबर, वो अपना पैन नंबर भी देता है, अपना टैन नंबर देता है, डिडक्टी का भी पैन नंबर देता है, मनी कितना ट्रांसफर हुआ वो बताता है, नेचर क्या था, डेट ऑफ पेमेंट क्या था, और उसमें टीडीएस का जो डिटेल होता है वो भी आता है। अब आज की डेट में दिक्कत क्या हो गई है कि 26 ईयर्स एक तरह का आप कह सकते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहीं भी अगर आप कोई बेनिफिट यानी कोई आपको बेनिफिट आता है उसका इंपैक्ट 26 ईयर्स में आ जाता है, यानी कहीं भी अगर आपका टीडीएस कट रहा है वो 26 ईयर्स में आ जाता है। जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करें या कोई चीज करें आप अपने 26 ईयर्स को जरूर चेक करें। 26 ईयर्स डाउनलोड करने का बहुत साधारण सा तरीका होता है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं, इनकम टैक्स की फाइलिंग.gov.in पे,
अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप अपना लॉगिन बनाएं, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टैब है, उसी एक टैब में आपको 26 ईएस का डिटेल मिल जाता है। आप जब वो डाउनलोड करते हो तो एक अलग पोर्टल पे लेके जाता है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसान प्रोसीजर होता है। और 26 ईएस इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जितना आपका टीडीएस कटा क्या वो जमा हुआ या नहीं हुआ। ये भी एक आज की डेट में बहुत बड़ी परेशानी है, होता क्या कि बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो टीडीएस काट लेते हैं, डिपॉजिट नहीं करते और आपको पता भी नहीं चलता। ये होता क्या कि वो तो आपको रिसीट दे देंगे कि हमने जमा करा दिया, लेकिन इसका एक्चुअल इंपैक्ट 26 ईएस से पता चलता है। मैं अभी एक दिल्ली की एक घटना बताऊं जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, मेरे काफी उसमें क्लाइंट भी हैं जो कि ये परेशानी झेल रहे हैं, जो दिल्ली में होंगे। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो उस कंपनी में दो नाम बताऊंगा, नाम इनडायरेक्टली बताऊंगा, एक तो रियल एस्टेट की कंपनी है। उस रियल एस्टेट में क्या हुआ कि उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, वहां पे लगभग 2,500 इंप्लाई थे, उनके टीडीएस जमा नहीं, उसकी वजह से उन लोगों को, लेकिन जो उनको फॉर्म 16 मिला उसमें टीडीएस जमा था, लोगों को भी लगा कि टीडीएस जमा होगा लेकिन टीडीएस जमा नहीं था, उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। उसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जहां से आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी घटना आपके साथ हो तो आप उसको कैसे हैंडल करें। दूसरा सेम घटना एक बहुत ही बड़ी जो इंटरनेशनल ब्रांड है कार की, उसके शोरूम से भी दिल्ली में बंद हुआ है। उन्होंने भी ऐसा बहुत अपने एम्प्लॉय के साथ किया कि सैलरी तो दे दी बट जो उसके टीडीएस थे वो डिफॉल्ट कर गया और पेमेंट नहीं कर पाए। अब जो उनकी एम्प्लॉय है वो उसकी वजह से सफर कर रहे हैं, वो ठीक है, एक लीगल इश्यू है, लीगल एंगल है कि उसका रिप्लाई। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 26 ईएस आप जरूर चेक करें, आप अगर नहीं चेक करें तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 26 ईएस को चेक करें और अपने जो टीडीएस जमा हुआ है उसको मैच करें और रिटर्न फाइल करते समय 26 ईएस की इंफॉर्मेशन को जरूर यूज करें। और आज के लिए तो मुझे लगता है कि हमने सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज रह गई हो टीडीएस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और वो चीजें पूछ सकते हैं, हम उसके जो भी एक रिप्लाई हो वो हम देने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो वो देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम फायर टीवी और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।